शाही ईदगाह मस्जिद का अमीनी सर्वे कराए जाने संबंधी हिंदू सेना की याचिका पर शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में अपनी अपनी दलील दी। वहीं शाही ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दावे की कॉपी न मिलने के दलील पर न्यायाधीश ने सुनवाई को 25 जनवरी की तारीख दी है। साथ ही सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि 25 जनवरी की सुबह 11 बजे दोनों पक्ष न्यायालय में मौजूद रहे। जो पक्ष तय समय पर न्यायालय में मौजूद नहीं होगा उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। गौरतलब है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर को न्यायालय में शाही ईदगाह मस्जिद का अमीनी सर्वे कराने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने 22 दिसंबर को सुनवाई करते हुए अमीन द्वारा निरीक्षण करने और रिपोर्ट में मानचित्र कोर्ट में पेश करने के लिए निर्देश दिए। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 जनवरी की तारीख दी थी। वहीं आज शुक्रवार को दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होनी थी, लेकिन ईदगाह पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 2:30 बजे का समय दिया और तय समय पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच 15 मिनट तक बहस हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें दावे की कॉपी नहीं मिली है। इस पर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय ने सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की है। साथ ही सख्त लहजे में दोनों पक्षों को हिदायत दी है कि तय समय पर मौजूद रहने वाले पक्ष को ही सुना जाएगा, अनुपस्थित होने वाले पक्ष को बाद में अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। हिंदू सेना संगठन के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि न्यायालय द्वारा वादी पक्ष से सभी कागजों की कॉपी प्रतिवादी को देने के निर्देश है। वहीं ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि पूर्व में जो कोर्ट ने आदेश पारित किया था उसका हमने विरोध किया, इसी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने वादी पक्ष को सभी कागजात हमें उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए 25 जनवरी की तारीख तय की है। वादी पक्ष से मिले कागजातों के बाद हम 25 जनवरी को अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेंगे। इसी के साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश ने अमीन सर्वे के दौरान मौके पर मुस्लिम पक्ष द्वारा शांति फैलाने की आशंका व्यक्त करते हुए कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान सफाई कर्मचारी, नापतोल के लिए पटवारी, रोशनी के लिए विद्युत कर्मचारी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी आवश्यक है। इस प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 जनवरी की तारीख तय की है। सीनियर डिवीजन तृतीय मथुरा के द्वारा मुकदमे को 2:30 पर सुनवाई की गई। न्यायालय के द्वारा पार्टी को आदेश पारित किया गया कि समस्त कागजात की प्रतिलिपि पक्षकार को प्रदान करें और यह भी आदेश पारित किया गया है कि दिनांक 25/1/2023 को प्रातःकाल 11 बजे प्रत्येक पक्षकार को उपस्थित होकर प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाएगी। अगर उस दिन कोई पक्षकार नहीं आया तो न्यायालय के द्वारा स्पष्ट आदेश पारित किया गया है कि उसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया। आज किन किन मामलों पर सुनवाई की? आज एक प्रार्थना पत्र था प्रतिनिधि संख्या 1 का, नकल प्रदान करने के लिए मात्र न्यायालय ने उसी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की है। अमीनी सर्वे निरीक्षण को लेकर कोई सुनवाई हुई? पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि न्यायालय के द्वारा जो 8 दिसंबर को विवादित संपत्ति के मौका मुआने का आदेश पारित किया गया था, वादी के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत चूंकि पैरवी नहीं की गई थी इसीलिए उस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। फाइल किया था शैलेश दुबे जी ने, विष्णु गुप्ता जी की तरफ से जो दाखिल किया गया था उसमें हमें पार्टी शाही मस्जिद है, सैनी सेंट्रल कोर्ट है, बाकी और पार्टीज बनाई गई हैं। ये मुकदमा जब दाखिल किया गया था तो उस मुकदमे में उसी तारीख पर, यद्यपि वो आदेश लेट हुआ था लेकिन हम लोगों को बाद में पता चला कि ऑनरेबल कोर्ट ने उस मुकदमे को रजिस्टर करते हुए अमीन कमीशन के आदेश पारित कर दिए। जब हमें इसकी जानकारी हुई तो हम अदालत में अपियर हुए और हमने एक प्रार्थना पत्र दिया कि ये मुकदमा हमारे खिलाफ़ दाखिल कर दिया गया है, इसके कोई नोटिस और सम्मन हम पर अब तक नहीं मिले हैं, लिहाजा सबसे पहले हमें वाद पत्र के जितने भी पेपर्स हैं से रेलिवेंट उनकी कॉपीज दिलवाई जाए और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। वो दरखास्त ऑनरेबल कोर्ट ने आज हियरिंग के लिए रखी हुई थी। इसके अलावा एक अमीन कमीशन चूंकि जारी नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी पैरवी विद इन टाइम वादीगढ़ ने नहीं की थी, तो एक एप्लीकेशन हमने लास्ट डेट पर यह भी दी थी कि अगर इस पैरवी के संबंध में कोई एप्लीकेशन वादीगढ़ की तरफ से मूव की जाती है तो इस पर भी ऑनरेबल कोई आदेश पारित करे उससे पहले हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने इन सारी एप्लीकेशन के डिस्पोजल की डेट आज लगा दी थी। आज जब हम अदालत में उपस्थित हुए और वादीगण की तरफ से हमें कुछ कॉपियां दी गई, उनका अवलोकन करने के बाद हमने फिर पुनः 2 प्रार्थना पत्र आज दिए कि ये मुकदमा इनका 7-11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होना चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ CPC, क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है और लिमिटेशन एक्ट से भी बार्ड है। वो एप्लीकेशन हमने आज मूव की है, यद्यपि हमने डिफेंडेंट को कॉपीज दे दी हैं, उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन का कोई समय नहीं मांगा है, केवल विशेष आपत्ति करके मेंशन कर दी है। और एक एप्लीकेशन इस बार की जहाँ हमने मूव की कि जो अमीन कमीशन का ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किया था वो अगेंस्ट लॉ था। एक तो हमें सुनवाई का मौका नहीं मिला था, लीगली जैसे प्लेंट के कंटेंशंस हैं, जैसे असर्शंस हैं या उसमें जो भी बातें कही गई हैं उनके आधार पर अमीन कमीशन जारी नहीं हो सकता, उस आदेश को रिकॉल किया जाए। आज क्या हियरिंग में भी ऑनरेबल कोर्ट ने 25 तारीख फिक्स कर दी है।
और आज केवल उसी एप्लीकेशन का डिस्पोजल किया उन्होंने जो हमने कॉपीज मांगने की जो दरखास्त लगाई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि केवल मैं इस पर आदेश पारित करूंगी और प्लेंटिव को डायरेक्ट किया कि वो सारी कॉपीज हमें अवेलेबल करा। उसके बाद 25 एक को हियरिंग होगी जो भी एप्लीकेशन पर। कोर्ट ने कुछ तल्ख रवैया भी अपनाया आज के दोनों पक्षों को लेकर कहा? नहीं, ऐसा कोई तल्ख रवैया नहीं था, उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव था और कानूनन जो होना चाहिए उन्होंने वही किया। लीगली भी सबसे पहले अगर दूसरी पार्टी अपियर हो गई है तो कानून यही कहता है कि दोनों पक्षों को प्रॉपरली सुनवाई का मौका देने के बाद उसमें कोई आदेश किया जाना चाहिए या हियरिंग की जानी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ऑनरेबल कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है बिल्कुल सही। कमेटी वाला जो मामला है जो द्वारा दायर किया गया है उसमें आज सुबह सुनवाई हुई थी और सुबह सुनवाई शुरू जब हुई है तो उस समय जितनी भी एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशनों पर जो भी ऑब्जेक्शन था उन सब ऑब्जेक्शनों पर दोपहर 2:30 बजे के लिए सुनवाई दोबारा रखता गया। अभी 2:30 बजे जब दोबारा सुनवाई हुई तो मुस्लिम पक्ष समय पे नहीं पहुंचा तो उसके लिए कोर्ट ने उसको काफ़ी लताड़ भी लगाई और साथ ही साथ उन्होंने जितनी भी एप्लीकेशन है उन सब पे जब सुनवाई स्टार्ट की तो मुस्लिम पक्ष ने एक फिर आरोप लगाया कि हमें कॉपियां सप्लाई नहीं की गई हैं बात की, जबकि हमने कॉपियां सबको सप्लाई कर दी गई हैं, रिसीविंग मौजूद है, क्योंकि ये हमारे केस को ये लोग डिले करना चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष चाहता नहीं कि हमें सर्वे किया जाए क्योंकि कानून के हिसाब से चल रहा है। जज साहब मानी जज साहब ने मुस्लिम पक्ष की बात सुनते हुए कॉपी सप्लाई करने का दोबारा आदेश दिया है और हमने कॉपी सप्लाई उसी समय कोर्ट के सामने हमने कर दी है। अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति है उस पर सुनवाई 25 जनवरी सुबह 11 बजे फिक्स की गई है और कोर्ट ने सख्त लहजे से कहा है जो भी व्यक्ति सुबह जो भी पक्ष सुबह 11 बजे मौके पर मौजूद नहीं होगा तो ये माना जाएगा कि वो अपना पक्ष रखना नहीं चाहता। आज मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह प्रकरण में माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन 3 में सुनवाई हुई। उसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई और माननीय न्यायालय ने सभी को सुना। हमारा भी इसमें पिछला प्राथमिकता था कि वहाँ पर मुस्लिम पक्ष पत्थरबाजी कर सकता है, इसलिए शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पर जिला के अधिकारी DM साहब, SSP साहब और जिला महापौर और CMO साहब का उपस्थित रहना वहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमित जांच के दौरान लेखपाल की जरूरत पड़ेगी, सफाई कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी और जितने भी उपस्थित उपकरण हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ जिले के अधिकारी मौजूद रहेंगे तो अमित जाँच सुगमता से होगी। इसलिए माननीय न्यायालय ने सभी प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए 25 जनवरी की डेट लगा दी।